तो भाइयों सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल और दबाओ इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Hey, what's up guys? This is Manish and you're watching Manish Review. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं और थंबनेल का राइट साइज क्या होता है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमें चलना होगा PicsArt में अपना थंबनेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम PicsArt ओपन कर लेंगे। अब PicsArt ओपन करने के बाद हमें क्या करना होगा कि सिंपली एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पर क्लिक करना होगा, है ना। अब आपको क्लिक करना होगा ड्रॉ पे, ये ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, है ना। अब क्रिएट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन, अदर साइजेस सिलेक्ट रहेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिए आप जैसे ये वाला साइज़ सिलेक्ट रहेगा, बट आपको सिलेक्ट साइज़ क्या करना है पता है आपको? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। तो यूट्यूब थंबनेल के लिए करेक्ट साइज़ है ये वाला 1280x720, है ना। तो ये राइट साइज़ है, तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा PicsArt का। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PicsArt के लिंक दे दूंगा, हो सकेगा तो, वरना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि ये राइट साइज़ आपको सिलेक्ट कर लेना, उस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर आपको क्या करना है कि ये लास्ट वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसा रहे हमारे थंबनेल का, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ब्लैक है तो आप मान लीजिए येलो रखना चाहते हैं तो येलो रख लीजिए। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। अब राइट क्लिक पे करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप फील कर दीजिए पूरे में, तो आसानी से फील हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम इसको फील कर लेते हैं, है ना। तो मैं आपको, मैं जैसे थंबनेल बनाता हूँ उस टाइप से आपको बता रहा हूँ, वेरी इजी मेथड है, कोई ख़ास नहीं है, है ना। तो सिंपली आप यहाँ से इसको इतना फील कर लीजिए, है ना। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड ऐसा रखना है, बट अगर आप जिस भी कलर का वाइट भी रखना चाहते हैं वाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इस पर डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेव एंड शेयर, तो आपको एडिट पे इमेज पे क्लिक कर देना है। अब एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आप कोई इसके साथ फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब से रिलेटेड मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो हम क्या करते हैं कि एक यूट्यूब की वीडियो के लिए एक यूट्यूब का फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि आप फ्री में कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अदर फोटोज़ डाउनलोड करेंगे मतलब कि उसके गूगल से डायरेक्ट, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है फ़ोटो की। तो मैं आपको बताऊंगा अब इसको आपको क्या करना है कि मान लीजिए इतना बड़ा फ़ोटो आएगा ना, मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। तो आपको ये जो साइड का एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करके इसे छोटा कर लेना है जिस भी साइज़ में आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसको ले जाके जहाँ भी आप सेटअप करना चाहते हैं इसको कर लीजिए, है ना। और अब जैसे आपका सेटअप हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप राइट पे क्लिक कर देंगे, अब मान लीजिए आपको कुछ लिखना है यहाँ पर, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए यूट्यूब का हमने लोगो लगा दिया। अब चैनल लिख देते हैं उसके साथ साथ, तो ये रहा हमने चैनल। अब सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर ये राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ना। अब जैसे आप राइट के ऑप्शन पे करेंगे तो ये कुछ वाइट कलर का दिखेगा, तो अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो आपको सिंपली ये कलर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, ये यहाँ पर, ये देखिए मेरा ये यहाँ पर ये वाला ये कलर का ऑप्शन है ना। तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं, ब्लैक। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, बट हम ब्लैक रख लेते हैं, ब्लैक अच्छा लगेगा ना। तो इसे आप यहाँ से फिर छोटा कर सकते हैं, और सिंपली आपको यहाँ से छोटा कर लेना है। तो ये एक सेकेंड, तो छोटा कर लेना है। अब छोटा करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पर सेटअप कर देना है इसको, है ना। तो यहाँ पर ये मान लीजिए सेटअप हो गया ना, मैं सिंपली आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि आप ऐसे बना सकते अपना। फिर राइट पे क्लिक कर दीजिए, और आपको जैसे कुछ भी लिखना हो यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका थंबनेल जिस भी रिलेटेड है यूट्यूब चैनल ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है,
आप सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन बड़ा कर लेना है, ऐसा वगैरह जो भी आप अच्छे से जैसा बनाना चाहते हैं। इसका कलर चूज़ कर लीजिए, फॉर एग्जांपल इसका कलर हम रेड रख लेते हैं, ये वाला रेड। अब स्ट्रोक में जाइए और स्ट्रोक में जाने के बाद इसको 50 है तो कम कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे। ये देखिए 10 पे कर दीजिए तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। यूट्यूब ट्रिक्स ऐसा ऐसे इसी टाइप से आप थंबनेल बना सकते हैं इजीली। अब देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है हमारा थंबनेल। अब जैसे कि आपको और कुछ ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ पर इजीली अपना थंबनेल ये सब बना सकते हैं। और आप मान लीजिए आपने थंबनेल बना लिया ना, अब थंबनेल बनाने के बाद आप उसको सेव करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मतलब मेथड बताता हूँ। तो सिंपली आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन एरो का, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर एक ऐड आएगा, अगर आपका इंटरनेट चालू है तो उसे हटा देना है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको डन पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो आपका थंबनेल वो सेव हो चुका है ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपकी गैलरी में आ गया है वो थंबनेल। अब तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये रीसेंट में देखेंगे हम, तो ये हमारा थंबनेल आ चुका है। तो सिंपली गाइज ये आप इसी तरह अपने चैनल के लिए बहुत बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं, वो भी पिक्सआर्ट की मदद से। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं। तो सिंपली गाइज आज के वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने चैनल के लिए बेस्ट थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो गाइज इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। सो ये वो आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।